दर्शन करने थे कर लीजिए, फिर मौका मिला फिर आपके दर्शन करने आऊंगा। क्या बात फिर से आइए बोलते, मैं आऊंगा जी आपके दर्शन करने। हम सब तरसते पप्पी के लिए, हम सब भाई लोग में झगड़ा होता है कि सबसे ज्यादा पप्पी किसके लेते हैं। हम अपनी वाइफ को लेके बच्चों को लेके आएगा। कितने दिन रहेंगे मैं बाहर? क्या है ना सेवा का संदेश? वो बोलती है मैं इतने नसीब हूँ कि भगवान ने सब कुछ दिया, अभी क्या कमाना है क्या लेना है। कभी जिंदगी में एक रुपया जेब में नहीं रखा, पास में नहीं रखा, बैंक कैसी होती है काली बुरी पता नहीं। बस अभी 10,000 लोग खाना खाएंगे तो सबका खाना होने के बाद शाम को सब बर्तन मांगने वाले सब खाना खाए के नहीं सब देखेगी और बाद में बोलेगी थोड़ी सब्जी रोटी ला। हमेशा का तरीका
या लढ्याची नोंद घेतलेली आहे. त्याचप्रमाणे ते युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष माननीय श्री मनिंदर जिंग सिंह बिट्टा साहेब. आदरणीय हमारे पूजनीय माताजी कराट साहब, हमारे हिंदुस्तान के, दुनिया के, हमारे पहलवानों के रहनुमा सरदार दारा सिंह जी, हमारे पूरे भारत की आन और शान श्री चंद्रगी राम जी और उनके दो बेटे और बेटी, मेरे और बैठे भाइयों को महाराष्ट्र हिंद, वो हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान जिन्होंने दुनिया में देश के एक अपने भारत का नाम ऊंचा किया, मैं सबको आज के दिन नमस्कार वंदे मातरम करता हूं. आज जब चंद्रगी राम जी अपने दोनों बच्चों के साथ अखाड़े में चक्कर लगा रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. मैं देख रहा था हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का पुराना इतिहास कितना बदल गया. हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने, बड़ी बड़ी सरकारों ने हमारे देश के कल्चर को कितनी जल्दी बदला. अपने पुराने इतिहास की तरफ उन्होंने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया. ये जो पहलवानी है ये हमारे देश का पुराना कल्चर है, पुराना इतिहास है, जिसको जिंदा रखना बहुत ही जरूरी है. हर इंसान का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर सरकार का फर्ज बनता है जितना उत्साहित कर सकते इनको करे. पर चंद्रगिरी राम जी जो बेचारे अच्छी तरह चल नहीं सकते और उनका बेटा और बेटी कितनी अच्छी पहलवानी करते हैं, उन्होंने उनको भारत माता के साथ कितना प्यार है, उसको देश के साथ कितना प्यार है, पुराने कल्चर के साथ उनको कितना प्यार है. मैं किसी और खेल के खिलाफ नहीं हूं, खेलें हर तरह की होनी चाहिए, पर यह देखना पड़ेगा कि हमारा पुराना कल्चर, पुराना इतिहास क्या था. सबसे पहले पहलवानी कुश्ती, फिर हॉकी, फिर फुटबॉल, फिर बास्केटबॉल, फिर कबड्डी, अब सब बुलाते जा रहे हैं. सुबह उठो, रात देखो, कोई चैनल दबाओ, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट. मैं तो बंद ही उसको कर देता हूं, देखता ही नहीं. पर अगर अपने भारत को हमने बचाना है, भारत माता की शान रखनी है, भारत माता को मजबूत करना है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य जो कराब साहब ने बड़े सालों से शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है पहलवानी कुश्ती, इसको जिंदा रखना हमारा सबका कर्तव्य बनता है. वंदे मातरम. आज मैं यहां पे, इतने नामी गिरामी पूरे देश के पहलवान यहां पे आए हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा, सभी लोग यहां पे काफी, दारा सिंह जी यहां पे, चंद्रगी राम जी और कई सारे नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन का जो पहलवान है, जो सोसाइटी में, पॉलिटिकल केडर में, जिनकी सेहत भी बहुत तंदुरुस्त है, और उनका नाम है मनिंदर सिंह बिट्टा जी, जो जिनका कलीजा भी सेहत के साथ साथ उनका जो कलीजा है उसकी मैं दाद देता हूं कि जिस तरीके से एंटी टेररिस्ट फ्रंट के वो चेयरमैन के नाते, जिस तरीके से पूरे देश में जो लोगों को बचाने का जो काम कर रहे हैं, और मैं उनको यहां एमआईटी परिवार की तरफ से, विश्वनाथ कराड़ सर की तरफ से, यूनेस्को चेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो आज कुश्ती का जो ये प्रोग्राम रखा गया, मैं यहां पे उनका यहां पे स्वागत करता हूं. बस दो मिनट में ये सभी अपने सगळे गावातल्या लोकांना मला मुद्दाम सांगण्याकरता मी उभा राहिलो. मिट्टा जी, मैं आपसे विनती करूंगा, एक दो मिनट बस आप खड़े रहे, मैं आपके लिए, मुझे बड़ी इज्जत है. बाकी सभी लोग, दारा सिंह जी आप सभी के लिए मैं सबका ये करके मैं उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा.
कि बिट्टा जी के जो दोनों पैर है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा उनकी पर्सनल लाइफ, लेकिन पूरे देश को पता है कि उनके ऊपर आज तक 11 बम फटे हुए हैं। ये जो सिक्योरिटी जितने भी दिख रही उनके 15 गाड़ियां उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दी है पिछले 15-20 साल से, और कई बम हादसों में उन्होंने, क्योंकि देश के लिए जब काम करना है तो फिर संकटों का सामना करना पड़ेगा, और उस तरीके से बिट्टा जी ने बड़े साहस से इस काम में बीड़ा उठाया और हम सभी की देश की सेवा का जो ये बहुत महत्वपूर्ण काम वो जो कर रहे हैं, और उनके कलीजे की मैं दाद देता हूं यहां पे, मैं उनको यहां पे तहे दिल से वेलकम करता हूं, सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए। कल मॉर्निंग की फ्लाइट उनको लेनी है, पिछले 2 दिन से वो निकले हुए थे, तो मैं बिट्टा जी मैं आपको वेलकम करता हूं यहां पे, आप एक 2 शब्द यहां पे हमारे भाइयों को, गांव के भाइयों को, और आपने समय निकाल के यहां पे आए, मुझे बड़ी खुशी है। उस्मानाबाद निळ्यापट्टीमध्ये आपासून सातारा तालुकुशीनंतर निवृत्ती बिळवे गणेशवाडी लालपट्टी सूरज ठवरे सोलापूर निळीपट्टी तयार गुणाची कमाई 50 किलो ते सर्व मला तयारी लागा। आकडा नंबर 1 वर होईल, आकडा क्रमांक 1 वर 50 किलोला सुरुवात होत आहे, 50 किलोचे सर्व मला तयारी लागा। चला कुस्ती करा पहिलवान।